Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we shall cover the case studies of third chapter, that is business environment. So let's start the case studies question without wasting any time. Ninth question it is, the government of India is seriously thinking of allowing the oil marketing public sector undertaking to fix their own prices for petrol and diesel. Which economic reform is the reason for this change in the government policy? क्या कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अपने ऑयल और पेट्रोल डीजल वगैरह के प्राइसेज फिक्स करने की छूट दे रही है, उनको अलाउ कर रही है, तो कौन सा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है गवर्नमेंट पॉलिसी का वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है. तो तीन फीचर्स थी इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में चेंज हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे कोई बात तो नहीं हो रही, इकोनॉमीज वगैरह को कनेक्ट करने की एक दूसरे देश के साथ, और लिबरलाइजेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही कोई टैरिफ लाइसेंसिंग वगैरह में छूट देने की, लाइक यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको यहाँ पे राइट्स देने की बात हो रही है छूट करने की, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करने की बजाय प्राइसेस पेट्रोल डीजल वगैरह पे कंपनीज पे छोड़ रही है, मीन टू से प्राइवेटाइजेशन वो कर रही है यहाँ पे. सो प्राइवेटाइजेशन इज एज द रिफॉर्म फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कपिल शर्मा इज वर्किंग एज कंट्री हेड ऑफ ए कंपनी विच ऑन ए चैन ऑफ मॉल्स अंडर द नेम्स ऑफ वर्टिसो इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो वर्टिसो नाम से शॉपिंग मॉल्स जगह जगह इंडिया में कपिल शर्मा जो है उसका कंट्री हेड है. फिर क्या हुआ, थ्रू एन एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस दैट इन द कमिंग ईयर्स शॉपिंग एट मॉल विल नॉट बी नेसेसिटी फॉर द बायर्स एज परचेजेस कैन बी मेड ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम विद ईच एंड एट ए कंज्यूमर्स कन्वीनियंस. तो क्या कह रहा है कि भी जो नियर फ्यूचर में कमिंग ईयर्स में शॉपिंग मॉल्स से लोग खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे जो बायर्स हैं. क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो बिजनेस है अपने डोर स्टेप पर प्रोडक्ट आ रहा है, तो शॉपिंग मॉल से खरीदना लोगों के लिए एक ज़रूरत नहीं रहेगी. हैंस मॉल्स विल हैव टू प्रोवाइड मच मोर देन शॉपिंग टू बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर. तो वो कह रहा है मॉल्स को शॉपिंग के अलावा और कुछ भी प्रोवाइड कस्टमर्स को कराना पड़ेगा उनको अट्रैक्ट करने के लिए. सो ही रिकमेंड्स, सजेशन वगैरह दिए हैं. क्या दिए हैं? वर्टिसो मॉल्स शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड, कि दोबारा से उसको फ्रेम किया जाना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, मीन टू से कुछ एडजस्टमेंट चेंजेस करने चाहिए, इन टू रिक्रिएशन सेंटर्स offering more spaces to socialize, host events and concerts and provide ample food and beverage options. तो इस तरह के उसने suggestions दिए हैं. क्या suggestions दिए हैं? कि recreation centers वहाँ पर खोलने चाहिए और socialization के लिए ज़्यादा space देना चाहिए, get together के लिए लोगों के, like बैठने उठने खाने पीने के सामान वगैरह. होस्ट इवेंट्स एंड कंसर्ट, कोई इवेंट या कंसर्ट शॉपिंग मॉल में, कोई क्विज कंपटीशन, कोई डांस म्यूजिक कंपटीशन प्रोग्राम वगैरह, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा आएंगे मॉल, और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे फूड एंड बेवरेज ऑप्शंस देने चाहिए. तो कंक्लूजन अभी तक यही है कि शॉपिंग मॉल्स हैं कंट्री हेड है और सजेशंस दे रहा है कि भी ऑनलाइन बिजनेस की वजह से मॉल्स का जो बिजनेस है वो ठप होने वाला है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ स्पेशलाइज करना पड़ेगा, कंसर्ट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, फूड बीवरेज ऑप्शंस देने पड़ेंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, रिक्रिएशन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे वहाँ पे. कंसिक्वेंटली द शेयर ऑफ एंटरटेनमेंट सेगमेंट एंड बीवरेज सेगमेंट इन ओवरऑल मॉल स्पेस इज इंक्रीज बाय 20%. तो एज ए रिजल्ट उसने सजेशन दिया ये, तो जो बेवरेज सेगमेंट है और एंटरटेनमेंट सेगमेंट है वो 20% बढ़ा दिया मॉल में. तो उसका क्या परिणाम निकला? एज ए रिजल्ट कंपनी गेन इनोमरियसली बाय गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो बहुत प्रॉफिट कमाया फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहले मतलब ये चीज़ अप्लाई करके, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कंपनी ने. अब पूछ क्या रहा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबो केस
डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस के हाथ में नहीं होते, तो उनके सम टोटल को, उन सभी को मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसने, एक्सप्लेन द टर्म्स threats and opportunity. Threats are those factors which create hindrances in the way of business, we can say. जो हमारे सामने मुसीबतें खड़ी करती हैं, problems खड़ी करते हैं जो factors, उनको threats बोलते हैं. Opportunities जो positive factors हैं, जो हमारे लिए नए नए opportunities और we can say हमारे लिए नए नए chances लेके आती हैं, उनको opportunity बोलते हैं. प्रॉफिट के जो चांसेस लेके आते हैं, इवेंट्स हैपनिंग्स वगैरह, तो उनको अपॉर्चुनिटीज बोलेंगे. तो इनका मीनिंग दोनों का एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड इज ए स्लोगन कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी विद रेफरेंस टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट. तो मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसके अंडर. द स्लोगन रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, दैट इज प्रोडक्ट्स हैव नो डिफेक्ट्स एंड द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट इज मेड हैज जीरो एडवर्स एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट. तो ये जो स्लोगन था ये क्या बताता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी दिखाई गई है, रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज किया गया है मिनिमम कॉस्ट पे, और जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से जो एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो जीरो इफेक्ट हैं, कोई उन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है. तो ये इस स्लोगन का मतलब था. द जेड मॉडल एम्स टू मेक इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट्स डेवलप्ड इन इंडिया फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड बाय द ग्लोबल मार्केट. तो जेड मॉडल का जो मेन उद्देश्य था वो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और ग्लोबल मार्केट में जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं हमारे प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट डेवलप करना था कि वो रिजेक्शन कम हो. नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोरओवर बिफोर द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड द लिमिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स हैज बीन रिलैक्स्ड. तो जी ये जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ इसके टाइम पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी रिलैक्स की गई, छूट दी गई उसमें भी. द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेज वॉज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंसेज वॉज इंक्रीज टू 3 years. तो जो लाइसेंसिंग की प्रोसेस थी वो ऑनलाइन की गई और 3 साल तक वैलिडिटी बढ़ाई गई लाइसेंसिंग की. वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वर ऑल्सो रिलैक्स बाय द गवर्नमेंट. बाकी के बहुत सारे नॉर्म्स प्रोसीजर्स भी गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए. इन द लाइट ऑफ द वो पैराग्राफ Identify the and explain the major component of a new economic policy 91. तो दो फैक्टर यहाँ पे लिबरलाइजेशन की बात बार बार की जा रही है और ग्लोबलाइजेशन की तो हुई है दूसरी जो FDI वगैरह के कारण. तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बिल्कुल सही है, उनको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओवर द ईयर्स ई बिजनेस इन आवर कंट्री हैज विटनेस्ड ट्रेमेंडियस ग्रोथ ड्यू टू सेवरल रीजन्स. There is significant improvement in the information technology infrastructure over the last decade as government has taken important steps in a high-speed internet connectivity. क्या कह रहा है, पिछले कुछ टाइम से जो बहुत सारे कारणों से बहुत ग्रोथ हुई है कंट्री में और significant improvement हुई है information technology में. government ने steps लिए हैं internet connectivity वगैरह बढ़ाने के लिए, गाँव में even broadband वगैरह पहुँचाने के लिए, तो government ने steps लिए हैं. as a result the broadband networks have not only become better but also more affordable. तो जो broadband networks हैं वो better तो बने ही बने हैं, साथ में affordable prices वगैरह भी उसके कम आए हुए हैं. कंपनियाँ आई हैं like globalization की वजह से और जियो वगैरह आई है तो बहुत अफोर्डेबल हुए हैं. इवन जो गरीब से गरीब आदमी है उसकी भी पहुंच के अंदर जो बढ़िया नेटवर्क सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, वो उसके दायरे के अंदर आई हैं. एडिशनली गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक रूरल इंडिया कनेक्टेड थ्रू ब्रॉडबैंड. तो जो रूरल एरिया हैं गाँव में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है. ए ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर ई बिजनेस टू एक्सपेंड द रिटेल मार्केट बाई रीचिंग आउट टू द मोस्ट रिमोट रूरल कस्टमर.
तो जो ई बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है गवर्नमेंट, गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचा के रूरल कस्टमर को भी उनसे जोड़ रही है। अनदर कैटलिस्ट स्ट्रेंथनिंग द ई बिजनेस सेगमेंट इज द कंट्रीज फेवरेबल डेमोग्राफी। तो जो डेमोग्राफी है वो भी बढ़िया उसके लिए स्ट्रेंथनिंग दे रही है उस चीज़ को। इट हैज मोर देन 50% इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। जो मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, उसमें 65% बिलो द एज ऑफ 35, 65% जो हैं वो 35 से कम के हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द ईयर 2020 द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन विल बी 29 ईयर कंपेयर टू 37 चाइना एंड 48 फॉर जापान। तो ये कह रहा है कि भाई 2020 तक इंडिया की जो एवरेज एज है वो 29 वर्ष हो जाएगी, जो कि चाइना में 37 साल है और जापान में 48 साल है। दिस प्रोमाइजेज द फेनोमिनल इंक्रीज इन ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में बहुत इंक्रीज होगी इससे। मोरोवर द पेनेट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज एप्ली एड्रेस्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। तो जो लिटरेसी वगैरह की प्रॉब्लम थी उसको भी स्मार्टफोन वगैरह आए हैं लाइक, तो उसने दूर किया है। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स ऑल्सो प्रेफर ई बिजनेस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स लाइक कन्वीनियंस टाइम। तो कंज्यूमर्स भी ई बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं, कन्वीनियंट है, टाइम की सेविंग होती है, लाइक एफर्ट कम लगते हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी पड़ती कहीं पे। तो बहुत सारे रीजंस हैं ई बिजनेस को लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है इन सब बातों के बाद, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस पूछी है कौन कौन सी आई हैं। तो टेक्नोलॉजी की बार बार बात हो रही है, ई बिजनेस किया जा रहा है इतनी देर से, और गवर्नमेंट का भी एक रोल था, गवर्नमेंट ने शुरू में ही था, ठीक है। ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यू टू सेवरल रीजंस, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। थर्ड लाइन में गवर्नमेंट हैज़ टेकन इम्पोर्टेंट, तो पॉलिटिकल भी हो गया इस वजह से, और सोशल भी हो गया, गांव में ग्रोथ वगैरह की बात की जा रही है, लिटरेसी वगैरह की, तो सोशल इन्वायरमेंट भी है, तीनों इन्वायरमेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 इट इज बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA टुक अप ए जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड फोर्टियो। तो अपना MBA करके फोर्टियो नाम की MNC में लगी है। द कंपनी वाज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉयज। बढ़िया सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज को, बढ़िया पर्क्स दे रही है, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़िया दे रही है, मिंटू से अलाउंसेज वगैरह। द वेजेज वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वेजेज जो दे रही है वो कंपनी की कैपेसिटी के अंडर है, और एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज को वेजेज दे रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो हैड ए गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स वॉज वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट। तो बढ़िया वर्किंग कल्चर है कंपनी में, और जो सुपीरियर्स हैं उनका बिहेवियर सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा है। बेनी वॉज वेरी हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत खुश थी वहाँ पे, बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स सी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स। तो काफ़ी देर उसे काम करना पड़ता था कंपनी में, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे उसके, तो वो घर पे खाना नहीं बना पाती थी। सी हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फाउंड नहीं है ये FOOD फूड आना चाहिए यहाँ पे। सी हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फूड विच वाज डेट्रियोटिंग हर हेल्थ। तो उसे बाहर के खाने पे डिपेंड रहना पड़ा जिसने उसकी स्वास्थ्य को खराब कर दिया। She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies. उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रॉब्लम थी खाने वाली, तो उसकी कंपनी में उसके जो कलीग्स हैं, साथी हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसी कंपनी में नहीं बल्कि और जो कंपनियां हैं वहाँ भी जो एम्प्लॉयज हैं ये खाने की प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया? This was because of increase in the number of working women एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक होम कुक्ड फूड। तो ये कारण ये था कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो काम करने जाती हैं बाहर कंपनियों में, तो घर का खाना नहीं बन पाता, तो लोगों को बाहर का खाना पड़ता है, उनकी जो हेल्थ है हाइजीनिक प्रॉब्लम्स वगैरह उससे हो रही हैं उनको, तो ये समस्याएं आ रही हैं खाने की वजह से। सी आइडेंटिफाइड दिस एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। And decided to give up her job. जॉब से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दी जॉब। फिर क्या किया? To supply packaged home cooked food
टू ऑफिस गोअर्स एट रीजनेबल प्राइस। तो उसने क्या किया, इसे एज अपॉर्चुनिटी लिया और अपनी नौकरी छोड़ दी और जो ऑफिस गोअर्स हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, उनके लिए पैकेज्ड फूड बना के देने लगी रीजनेबल प्राइसेज पे। एट द एंड ऑफ द डे सी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाई नाइट शेल्टर्स। तो अंत में रात को जो खाना बचता था तो नाइट शेल्टर में जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो खाना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो सोशल वैल्यूज भी यहाँ पे हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रही है। वैल्यू जब है नहीं सिलेबस में तो इस तरह की बातें का फायदा नहीं है, इस तरह की बातों का। पढ़ते हैं, देखिए क्या उसने क्वेश्चन किया है। शेड द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। सोशल की बात हुई है, जो खाना वगैरह वो बना के देने लगी और फूड शेल्टर वगैरह में खाना सप्लाई कर रही है, तो सोशल एनवायरनमेंट का डिस्कशन हुआ है मेन। तो और तो कोई बात हुई नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल कहीं कोई बात नहीं आई है। तो सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पे आंसर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इसका आंसर सोशल है या नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बींग फॉलोड बाई फोर्टियो। ये सेकंड चैप्टर से ले आया है, यहाँ पे तीसरे चैप्टर के स्टडीज के बीच में सेकंड चैप्टर के प्रिंसिपल्स हमने किए हैं। तो कौन से दो प्रिंसिपल्स, दो ही बताने होंगे शायद, स्टेट द प्रिंसिपल, तो जो भी यहाँ पे है वो बताने हैं। तो एक तो रेमुनरेशन वाला बिल्कुल शुरू में आया था, द कंपनी वाज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स, सेकेंड लाइन में। तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। एक और था इनिशिएटिव वाला था, जो सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखते हैं, वेजेज वर विद इन द कैपेसिटी। ये फोर्थ फिफ्थ लाइन में है, द कंपनी ऑल्सो हैड गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर्स ऑफ सुपीरियर्स वाज वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट्स। तो इस बात से पता चल रहा है कि वो बढ़िया वहाँ पे एनवायरमेंट है। तो इनिशिएटिव का यहाँ पे लिखा जा सकता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। रेमुनरेशन ठीक है बिल्कुल, इनिशिएटिव का है नहीं, बाकी हो सकता है एम्प्लॉइज वगैरह देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं एक दूसरे का। तो एक ही प्रिंसिपल बताना था, रेमुनरेशन का यहाँ पे हो गया, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो थर्ड क्वेश्चन है वैल्यूज का, तो वो सिलेबस में है नहीं, वैल्यूज ऑफ डिस्कस नहीं करेंगे।